गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कुछ वीडियो से। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं वो है फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर अप टू सिलेक्शन एंड चैप्टर नंबर 8 यूक्लिडियन रिंग्स। ठीक है, इन तीन चैप्टर्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डेट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर मार्क कराऊंगी, सो डैट आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार उन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट करके जाएं, क्योंकि थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी जाएँ, सो डैट डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रिंग्स एंड फील्ड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साथ के साथ बुक खोल लीजिए और मार्क कर लीजिए, सो डैट आप एटलीस्ट इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पास इन्हीं में से पेपर आएगा, बट मेरा कहने का मोटिव सिर्फ ये है, एटलीस्ट इन क्वेश्चन को स्किप मत करके जाना। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2, और ये क्वेश्चन तो इवन ऐसे हैं जो आपने किए होंगे पहले भी जब आपने चैप्टर किया होगा, क्योंकि ये तो रिंग्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। डेट इज इनमें तो प्रूव ही करना है कि रिंग हमारे पास बन रही है या नहीं। तो एग्जांपल नंबर 2 के बाद एग्जांपल नंबर 4, देखो इस टाइप के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस एमडीयू के अंदर तो बहुत कम चांस है कि आए, बाकी केयू सीडीएलयू के अंदर आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर से एक बार चेक कर लेना, सो डैट आपको आइडिया लग जाए। कम्प्लीटली इन पर डिपेंड मत होना, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स हैं तो वो सबसे बेस्ट बात है, बट एमडीयू वाले इन क्वेश्चंस पर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल 2 और 4, देन एग्जांपल नंबर 6, इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपकी नई बुक है तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होंगी। थ्योरम नंबर टू इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है थ्योरम नंबर 3, 4, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 10 इम्पॉर्टेंट है। छोटा ही चैप्टर है ये तो, वैसे आपने कवर कर लिया होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, रिंग्स वाला है इसके अंदर, बाकी ये आप बीच के स्किप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 13 एज वेल एज एग्जाम्पल नंबर 14 दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ भी जो पीछे थ्योरम्स आई थी, थ्योरम 3 और 4 तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना है। इनके आपको जो प्रूफ्स हैं मेरी वीडियोस के अंदर भी सॉल्व मिल जाएंगे, पूरा मैंने एक एक कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर कर रखा है। आपको रिंग्स की पूरी हॉल प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो आपको अगर इनमें किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज भी अगर आप करें तो एक्सरसाइज का यहाँ पर 10th क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है। ठीक है, इसके बाद सबरिंग्स वाले टॉपिक के अंदर थ्योरम नंबर ये 5.9, यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 ये इम्पॉर्टेंट है, आती है। थ्योरम 3rd, थ्योरम 4th कंपैरेटिवली आप देखेंगे 5.1 के कंपैरेटिवली 5.2 में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एग्जाम्पल 4th, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में इसमें पूछ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के टॉपिक में। थ्योरम 3rd और यहाँ से थ्योरम 4th, ये एमडीयू वाले भी ज़रूर करके जाना, लास्ट ईयर भी आई थी ये थ्योरम, तो थ्योरम नंबर 4 भी आपको करके जानी है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास 6th चैप्टर आता है। 6th चैप्टर के अंदर आपको क्या करके जाना है, 6th चैप्टर डेट इज आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। सबसे पहले सम ऑफ टू आइडियल्स वाली थ्योरम्स, देन इसके बाद प्रोडक्ट, और ये इसके पहले जो है आइडियल जनरेटेड बाय सेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों मैंने करा भी रखी है अपनी वीडियोस के अंदर। इसके बाद थ्योरम 6.5.3, ठीक है, ये वाली आ जाती है, रेयर चांस आएगी बट हाँ आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको स्किप करो, बिल्कुल एक जैसे आइडियल्स तो इतना इजी चैप्टर है अगर आपने अच्छे से किया हुआ है। रिंग्स आइडियल्स तो आपको मतलब इसमें थ्योरम्स में कुछ इतना कंफ्यूज होने वाला इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग की जो हमारे पास चैप्टर 1 और 3rd की थ्योरम्स हैं उनमें आप मे बी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। थ्योरम 6.5.5 करनी है आपको, थ्योरम 6.6.1, 6.6.2 भी अच्छी थ्योरम है, 6.6.2 और 6.6.3 तो देखो बिल्कुल सेम है एज इट इज़, तो इनमें से अगर आप एक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए सारे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है, यूनिटी आइडियल क्या होता है।
जीरो आइडियल क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद थ्योरम 6.8.3, ये वाली थ्योरम, ठीक है, और ये दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CDLU वाले बच्चे इस थ्योरम को बिल्कुल भी स्किप ना करके जाएं, आपके में बहुत बार आई हुई होगी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स हैं तो, ये दोनों आपको ज़रूर करके जानी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थ्योरम ये वाली, एवरी फील्ड इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये भी आ जाती है, बट ये दो थ्योरम्स और एक मैंने आपको पहले जो बताई थी वो, ये चार पांच थ्योरम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर थ्योरम ये वाली, नीचे वाली मैंने आपको बता दी थी, एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, देन मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एन आइडियल ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज मैक्सिमल, ये वाली भी आ जाती है। ठीक है, अगर आप इसके बाद वाला पार्ट, तो कई बार यूँ है कि इतने में से क्वेश्चन कवर हो जाता है, अगर आप इसके आगे का नहीं करें तब भी एग्जांपल्स में से मैं आपको बता दूँ, एग्जांपल 5th 6th ये ज़रूर करके जाना, एग्जांपल 10 और एग्जांपल 7, बस इतने से आपका सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन फिर भी आपके प्रीवियस ईयर्स में जो आया हुआ हो वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हो कि ये थ्योरम मैंने नहीं बताई और ये थ्योरम प्रीवियस ईयर्स के अंदर आई हुई है, सो डैट जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो और उनके पास अगर वो प्रीवियस ईयर ना हो तो उनको थोड़ा बहुत कमेंट्स से आइडिया लग जाए। ठीक है, तो आप कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि ये थ्योरम आपने स्किप कराई है, बताई नहीं है, बट हमारे प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन की बता देना, शॉर्ट में तो डेफिनेशन से वो तो एक बार सारे बच्चे ही सारे डेफिनेशन से गो थ्रू होकर जाते हैं। इसके बाद ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, बाकी तो जो इसके आगे का पार्ट है वो तो नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर आता है, अगर आपने वो किया है तो वो भी नीचे वाला जो हमारे पास 6.2 है ये भी बहुत अच्छे से करके जाना, थ्योरम नंबर 6.11.3। इसके बाद दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ये सारे जो है नीचे वाले क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम सिलेक्शन की बात करते हैं, तो चलिए अब हम एक बार 8th चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th चैप्टर है हमारे पास यूक्लिडियन रिंग्स। यूक्लिडियन रिंग्स के अंदर पहले जो डेफिनेशंस है सारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट्स हो गया, यूक्लिडियन रिंग खुद की हो गई, क्वेश्चन इंटीजर हो गया। इसके बाद आपने जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो, अपनी जो दो वीडियो इससे पहले अपलोड की थी, डेट इज़ क्वेश्चन इंटीजर वाली, जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल तो आपको अगर प्रीवियस ईयर आपके पास है तो होगा ही होगा, उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर यू आर फ्रॉम CDLU, MDU, KU या आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पर जीवन साइंस की बुक लगती है, तब भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1, 2 बहुत आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपको 8.10.2 करके जानी है थ्योरम, देन यहाँ से हमारे पास ये वाली, ये दोनों ऊपर नीचे वाली दोनों थ्योरम्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थ्योरम 8.13 और 8.14, नीचे वाली CDLU के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से थ्योरम को कोई भी स्किप मत करना, एक बार गो थ्रू सभी से होके जाना जितने भी मैं बता रही हूँ, इवन ये इंपॉर्टेंट है इनको तो कर करके ही जाना। थ्योरम नंबर 8.18, ये एन एलिमेंट इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज प्राइम एलिमेंट इफ इट इज इरिड्यूसिबल, देख सकते हैं आप कितनी बार आई भी हुई है, और ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये MDU के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो MDU, CDLU, KU कोई भी इसे स्किप ना करके जाएं। इसके बाद आती है ये वाली थ्योरम, ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6, उसके बाद एग्जांपल नंबर 7, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, और जो इससे पहले जो एग्जांपल इम्पॉर्टेंट था वो था एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी इस इन वीडियो से, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। सो अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ इन योर क्लास ग्रुप्स, ताकि बाकी बच्चे भी इनका बेनिफिट ले सके, और क्या पता आपके टीचर्स तक ही पहुँच जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और इवन प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पर ही हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, अगर जिनके पेपर्स हो भी रहे हैं वो भी बच्चे कमेंट्स के अंदर बताते हैं कि पूरा पेपर रियल का तो CDLU का इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आया था, तो आप इन क्वेश्चन पर रिलाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, शेयर द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।